आज सरधना के मंडी चमारान मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दर्जनों लोगों की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ गए, लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, एकाएक दर्जनों लोग बीमार हो गए, लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। शुरुआती तौर पर स्थानीय चिकित्सकों से मरीजों का इलाज कराया, लेकिन वहाँ पर संख्या बढ़ी तो निजी अस्पतालों की मदद ली गई। नगर के अधिकांश अस्पतालों में लबालब भीड़ हो गई, बेड भर गए तो मेरठ मरीजों को भेजा गया। अधिकारियों को पता चला तो हड़कंप मच गया। CMO समेत SDM और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। फिलहाल कैंप लगाकर मरीजों की जाँच की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में मरीज CSC में भर्ती किए गए हैं। CMO खुद इस मामले की का संज्ञान ले रहे हैं, पैनी नज़र रखे हुए हैं, जांच की जा रही है। जल विभाग की टीम भी पहुंची थी, टीम ने पानी के सैंपल दिए हैं और जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि दूषित पानी की वजह से ही लोग बीमार हो रहे हैं या उल्टी दस्त होने का कारण कुछ और भी है। हमारे साथ वार्ड नंबर 2 मोहल्ला मंडी चमारान के सभासद हैं सुभाष बेन। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीमार कैसे हुए लोग, क्या कारण रहा, क्या समस्या हुई और क्या आशंका जताई जा रही है। अब तक कितने लोगों की संख्या पहुंच चुकी है बीमारों की, कहने का अर्थ है कि कितने लोग बीमार हो चुके हैं और कौन कौन अधिकारी संज्ञान लेने पहुँचे हैं। तो सीधे बात करते हैं सभासद सुभाष बेन से। तो क्या मतलब सामने आया है मामला, बात सामने निकल कर ये आ रही है, लगभग 100 के आसपास संख्या हमारे बीमारों की पहुंच चुकी है, जिसमें यहाँ सरदना CSC पर लगभग 20 से 25 यहाँ पर एडमिट है और डॉक्टर TK राणा कंकरखेड़ा 20-30 वहाँ पर एडमिट है, डॉक्टर आसिफ उनके यहाँ पर एडमिट है और हिमालय हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट है। महत्वपूर्ण विषय ये है, ऐसा महसूस हो रहा है जो हमारे पीने का पानी है इसमें कोई ऐसा संक्रमण पैदा हुआ जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी दस्त और पेट दर्द की बीमारी भयंकर तौर पर सामने आई निकल कर। कोई अधिकारी आए डॉक्टर की टीम ने संपर्क किया हो? डॉक्टर लोग आ रहे हैं, अभी हम यहाँ CSC पर जब आए उसी दौरान मेरठ से CMO आए हुए थे, वे बोले कि वार्ड के अंदर कोई शादी का प्रोग्राम था उसकी वजह से ये बिल्कुल निराधार बात है, गलत बात है। वार्ड के अंदर कोई शादी का ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसे खाना खाकर ये बच्चे या बड़े बीमार हुए, ये तो रूट डाइवर्ट करने वाली बात है, दूसरे को थोपने वाली बात है। स्थिति कुछ कंट्रोल हुई या फिर मरीज? कोई स्थिति कंट्रोल नहीं है, जीता जागता उदाहरण आप ये मरीज को देख सकते हैं। ये सरधना CSC से रेफर किया गया है मरीज मेरठ के लिए और जो जनरल सी बात है, सीधी सी बात है, अभी कोई व्यवस्था इतनी यहाँ सरधना पर कोई इतनी मजबूत नहीं है। मरीजों की संख्या कितनी? 100 के पार निश्चित। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है, यानी कि स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग भले ही मामले को दबाने की या हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीता जागता सबूत जैसे सभासद महोदय ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें कई मरीज खासतौर पर महिलाएं और कुछ बच्चे अधिक बीमार हैं, गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। आगे की जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहे। मैं दानिश अंसारी, जनवाणी न्यूज़ सर।